हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल मैं पाताल भुवनेश्वर के बाद ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि हम सभी के फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई थी, पावर बैंक भी डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पाई कंटिन्यू। बस मैंने थोड़ा सा रात को जब डिनर कर रहे थे तब शूट किया था। कल हम लोग पहुँच गए थे जागेश्वर में, हम लोग ने स्टे वहीं किया था क्योंकि आज हम लोग जाएंगे जागेश्वर धाम। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 एंड यहाँ पे 7-7:30 बजे वो मंदिर ओपन होगा, तो बस अभी हम लोग चाय पी के वहाँ जाएंगे। उससे पहले यहाँ पे पास में एक मंदिर है उसमें जाएंगे। एंड यहाँ पे गाइस ठंड बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे चीड़ के पेड़ है जिस वजह से यहाँ पे ठंड बहुत है। आप उत्तराखंड में किसी भी हिल स्टेशन में कभी भी आते तो एक स्वेटर आपको ज़रूर रख के लाना चाहिए, चाहे वो गर्मी हो। सर्दियों में तो आप रख के लाते, गर्मियों में भी रख के लाना चाहिए क्योंकि यहाँ के मौसम का कुछ भी नहीं पता होता। एक मिनट में धूप है तो एक मिनट में बारिश है और बारिश आते ही ठंड हो जाती है। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ अब थोड़ी देर में। अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं और इस मंदिर का नाम श्री दंडेश्वर मंदिर है जो कि जागेश्वर उत्तराखंड में है। तो आइए मंदिर में चलते हैं। गाइस ये मंदिर बहुत बड़ा है, इसमें एक छोटा सा पुल बना रखा है। बारिश के टाइम पे इसमें नीचे से पूरी नदी निकलती है। मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये श्री दंडेश्वर महाराज है जिनके मंदिर में हम आए हैं। ये भगवान शिव का ही एक रूप है, तो आप भी मेरे साथ दर्शन कर लीजिए। गाइस आपने जितने भी भगवान शिव के मंदिर देखे होंगे वहाँ पे भगवान शिव अपनी प्रतिमा के अलावा शिवलिंग के रूप में भी होते हैं, पर ये शायद अकेला मंदिर है जहाँ पे भगवान शिव शिवलिंग में ना होकर पत्थर के रूप में है क्योंकि इन्हें ऋषियों द्वारा दंड मिला था, इसलिए इस मंदिर का नाम दंडेश्वर मंदिर है। फूल पत्ती लकड़ी के लिए देदार के वन में आती थी। वो एक बार भगवान पर मोहित हो गई, इसलिए ऋषि मुनि ने उनको दंड दे दिया कि तुम्हारा लिंगा पतन हो जाए। तान गाइज ये मैं आपको दंडी महाराज के दर्शन करा रही हूँ। ये पार्वती जी हैं, ये शिव जी हैं। गाइज ये जितनी भी मंदिर और मूर्तियाँ आप देख रहे हैं ये सारी 7वीं से लेकर 14वीं सदी के बीच में बनी हुई है और इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया है, इनमें ज़्यादातर शिवलिंग है। अब हम आ गए हैं जागेश्वर धाम में जिसे ज्योतिर्लिंग मंदिर भी कहा जाता है। इस पूरे मंदिर में गर्भगृह में कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं बाहर से ही आपको दर्शन करा रही हूँ। इस मंदिर में टोटल 108 ज्योतिर्लिंग है जो कि स्वयंभू है, मतलब कि सभी स्वयं प्रकट हुए हैं, इसलिए इस मंदिर में बहुत ज़्यादा मान्यता है। अगर आप यहाँ पर कुछ मांगते हैं तो वो पूरा हो जाता है, तो आपको यहाँ पर एक अनुष्ठान करवाना पड़ता है। हम जब यहाँ पर आए तो काफ़ी सारे अनुष्ठान यहाँ पर चल रहे थे। एंड गाइस इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है
जो मैं वीडियो के बीच में आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सरप्राइज़ कैसा लगा। ये पार्वती जी बैठे हैं। हाँ हाँ, कहीं भी Thank you.
बाबू बस तो गाइस अब बात करते हैं सरप्राइज की। अगर आपने गौर किया है या नहीं भी किया है तो मैं आपको बता देती हूँ, इस जागेश्वर धाम मंदिर के ब्लॉग में मैंने तो 108 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए ही, साथ ही इस वीडियो में पूरे 108 ज्योतिर्लिंगों को कैप्चर किया है ताकि मेरे साथ आप भी 108 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सके। गाइस ये कीवी का पेड़ है जो मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है, अभी ये छोटा है पर सितंबर तक ये पूरी तरह ग्रो हो जाएगा। और अब हम चल पड़े हैं नानी के घर के लिए। सो अभी हम पहुंच गए हैं नानी के गांव, आज हम लोग यहीं रुकेंगे, यहाँ के जो देवी देवता हैं उनके हम लोग जाएंगे, यहाँ से कल सुबह फिर हम आगे के लिए निकलेंगे। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ मेरे नानी का घर एंड यहाँ के जो मंदिर हैं, एक दो ही हैं वो दिखाती हूँ। तो चलिए चलते, पहले तो यहाँ पे 5-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, अब थोड़ी सड़कें हो गई है बट सड़कें कच्ची है, गाड़ी ऊपर चढ़ नहीं रही है तो इसलिए अभी भी हम पैदल ही जा रहे हैं। सांस फूल रही है मेरी, तो चलिए चलते हैं। पापा ने प्लान में थोड़ा चेंज कर दिया है, अब पहले हम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे फिर नानी के घर जाएंगे। गेहूं की फसल एकदम पक गई है, कटने के लिए तैयार है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक काफ़ी सारे भिशुल मिलेंगे, पहाड़ी में इनको भिशुल बोला जाता है जो कि जानवरों को भगाने के लिए होता है। ये देखिए आपको ऐसा लगेगा कि कुर्सी पर सच में कोई इंसान बैठा हुआ है बट ये बना रखे हैं भिशुल। ये दो तो सच में ऐसे लग रहे जैसे कोई रियल के खड़े हो। हाँ देखो यहाँ पे कितना पिरू पड़ा हुआ है और बहुत नीचे जाना है हमें। अभी तो मजा आ रहा है चलने में, ऊपर आने में वापस हालत टाइट होगी। ये देखो पिरू यहाँ पे बहुत पड़ा हुआ है, जब हम पहले आते थे ना यहाँ पे तो फिसल फिसल के जाते थे, मजा आता था चलने में यहाँ पे। ये मंदिर का गेट है लेकिन मंदिर अभी भी यहाँ से बहुत ऊंचाई पर है। फाइनली अब हम मंदिर में पहुंच गए हैं और यहाँ दोनों मम्मियों का परिक्रमा लगाने पर डिस्कशन चल रहा है क्योंकि मंदिर में एंट्री करने से पहले मंदिर की परिक्रमा लगानी होती है। अरे वहीं उतार लो। मंदिर की सफाई करने के बाद हमने यहाँ पे धूनी जलाई है क्योंकि ये जलाना ज़रूरी होता है, इसके बाद ही यहाँ पूजा होती है। एंड गाइस जो पेड़ पे आप ये प्रतिमा देख रहे हैं ये भी स्वयंभू है, अभी मेरे पापा यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और मेरी मम्मी के दादाजी ने भी इसी मंदिर में इसी पेड़ की पूजा की हुई है और इससे भी पहले से लोग यहाँ इस मंदिर में इस स्वयंभू प्रतिमा की पूजा करते हुए आ रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मंदिर कितना पुराना है।
ये मेरे नाना नानी का घर है। अब मेरे नाना नानी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मम्मी और मैं यहाँ पे आके काफ़ी इमोशनल हो गए थे। सब मम्मा रहे हैं। तो ये मेरी नानी का घर था। पता नहीं मेरी वॉइस साफ आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि मेरा जो माइक है वो ऊपर ही छूट गया। बट मैंने सोचा थोड़ा सा मैं यहाँ पे शूट कर लूँ। घर तो है, सब कुछ है वही, बट नानी नहीं है। मुझे भगवान जी से हमेशा इस चीज़ के लिए रहती है कि मेरे दादा दादी नाना नानी बहुत जल्दी उनके पास चले गए। नानी तो मेरी शादी के बाद गई थी। वैसे तो किसी के आने और जाने में हमारा कुछ भी नहीं हाथ होता। कोई आता है तो हमें खुशी होती है, कोई जाता है तो उतना ही गम होता है। मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई यहाँ पे आके। मैं भी हो गई थी, क्योंकि जब लास्ट टाइम आई थी, मैं शादी से पहले आई थी, तब तक वो थी, तो सारी वो यादें सब कुछ ताज़ा हो गई। आज घर भी है, वो ही सब कुछ है, तो बहुत गंदा सा लग रहा है। तो मैं अब आप लोगों से बाद में ही मिलती हूँ।